वेलकम यू ऑल। एज यू नो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हम पढ़ेंगे। पहले हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं लैंड की। लैंड आपके पास फिक्स फैक्टर है, इसीलिए ये हर यूनिट पे क्या है, फिक्स्ड है। लेबर की बात करें तो हर ये देखो इसका हर जगह क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल है। इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है कि जो इसका रेशियो है वो वेरी कर रहा है, 10:0, 10:1, 10:2 एंड अप टू सो ऑन। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न से, फिर इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट से, फिर आपका क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मीन्स इंक्रीज इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीज डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन सेवंथ पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स। मींस कि आपको जो प्रोडक्शन करना है, कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो कहां तक प्रोड्यूस करेगा, वो सेवंथ यूनिट तक ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आगे अगर वो करेगा तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोड्यूसर है वो 7 यूनिट्स ऑफ लेबर ही लगाएगा अपने इस 10 एकर्स की लैंड में, सो दैट उसको मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 150 यूनिट्स जो टोटल प्रोडक्शन के वो मिले। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 150 तक तो ठीक है, पर इसके बाद 140 मींस कि यहां पे जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। एवरेज प्रोडक्शन मींस कि पर लेबर आपको कितना यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है। पहले टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बट एवरेज प्रोडक्शन भी जब आपकी सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, बट आपका ये इस होल प्रोसेस में ना ही आपका टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना ही आपका एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपको कितना यूनिट्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो जब आपने लेबर लगाई तो वहां पे तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां से इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बेटा इंक्रीज होगा। देन देखो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो तक पहुंच जाता है। जीरो तक आने के बाद ये नेगेटिव में भी चला जाता है। इन सभी प्रोसेस में एक मार्जिनल प्रोडक्ट का ही कर्व है जो आपका नेगेटिव में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है एपी टीपी एंड एपी का डिफरेंस बताओ या इनको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो आप इजिली बताओगे क्या कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। पहले तो तीनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बट टीपी जब इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग इंक्रीज कर रहे हैं दोनों। ठीक है, बट जब इंक्रीज कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये क्या करते हैं, ये फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देता है तो एवरेज प्रोडक्शन तब भी पॉजिटिव रहता है, बट ये भी डिक्रीज कर रहा है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हो। देखो अब इसका हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, पहले यहां तक देखो 20, 50, 90 और 120। ठीक है, 90 तक तो क्या है आपका इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न से, देन आपका इंक्रीजिंग डिमिनिश डिक्रीजिंग रेट से, देन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखो ये आपका टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन जब आपकी स्ट्रेट लाइन जाती है ना, जब ऊपर जाती है कर्व तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, कि इंक्रीज हो रहा है, और जब नीचे आना शुरू करते हैं हम उसको बोल रहे हैं कि नेगेटिव में जा रहा है। इसलिए देखो जो आपका टोटल प्रोडक्शन है ना, ये इंक्रीज हो रहा है अप टू जी पॉइंट। ये जी आपका सेवंथ पॉइंट है, कि सेवंथ पॉइंट ऑफ लेबर 150 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद अगर आप एक और लेबर लगाओगे तो आपको प्रोडक्शन क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन कम होने शुरू हो जाएगी। देखो ये टीपी है, ये घिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ई पॉइंट क्या है, यहां पे ये ई पॉइंट शो कर रहा है। ई पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस कि जो कर्व है ना, ये अपना कर्वेचर चेंज करती है यहां पे। ठीक है, पहले देखो ये इंक्रीजिंग रिटर्न से ये स्लोप क्या है, ऊपर जा रही है, कर्व ऊपर जा रही है, बट यहां से आने के बाद क्या हो रहा है कि आपका इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। सो आपकी जो इस कर्व की शेप है ना, वो ऐसे जाने की बजाय यहां से चेंज करके ऐसे हो जाती है। तो मतलब आपका जो कर्व है ना, उसका शेप चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज होने की जो पोजीशन है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, नेक्स्ट आपका एपी की बात करें। अगर एपी की बात करें तो एपी और एमपी दोनों, ये जो तीनों कर्व है स्टार्ट 20 से ही हो रहे हैं, ये पॉइंट जो है आप 20 लगा के चलो। ठीक है, बट एपी देखो आपका इंक्रीज हो रहा है, बट एपी आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 20, 25, 30, 30, बट मार्जिनल प्रोडक्ट है ये 20, 30, 40, मतलब ये ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है स्टार्टिंग में, बट
30 पॉइंट आने के बाद जब एपी और एमपी इक्वल आ गया, जब एपी और एमपी इक्वल है, ये पॉइंट है आपका आई पॉइंट, ठीक है। और जब एमपी आपका मैक्सिमम है 40 पे, ये आपका एच पॉइंट है कि यहां पे आपका एमपी क्या है मैक्सिमम। बट 40 पे आने के बाद आपका क्या होता है कि एमपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है, एमपी क्या हुआ डिक्रीज करना शुरू कर दिया। और जब 30 पे आया तो आपका जो एपी है वो मैक्सिमम कितना है 30 पे, एपी आपका मैक्सिमम कितना है 30 पे। जब ये दोनों मिले तो यहां पे इनके दोनों लाइन दोनों आपस में कट करेंगी, तो इस पॉइंट के बाद आपका एपी इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद एपी डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है, आपका पहले एमपी ज्यादा है और एपी कम है, ठीक है। एपी वाली लाइन नीचे है, एमपी वाली लाइन आपकी ऊपर है। बट इस पॉइंट के बाद पहले आपका एमपी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे एमपी तेजी से बढ़ रहा है वैसे तेजी से घट भी रहा है नीचे जाने के बाद। तो यहां पे जो है आपका एमपी कम होगा एपी से, ठीक है। ये सेकंड स्टेज वाली बात है आपकी, ये फर्स्ट स्टेज वाली बात है, ठीक है। यहां पे और ये सेकंड स्टेज आएगी इस पे, ठीक है। यहां पे जो आई पॉइंट है, यहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन से पहले पहले आपकी फर्स्ट स्टेज है ये वाली, ठीक है। ये वाली आपकी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। देन आई से सी पॉइंट तक, सी पॉइंट मीन्स सेवंथ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट तक आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो सेवंथ पॉइंट तक ही मिलेगा। इसके बाद आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा। देखो यहां से सी पॉइंट से सीधी लाइन खींचो, जीरो पॉइंट जो आपका आया है मार्जिनल प्रोडक्ट का, यहां से जो आप सीधी लाइन खींचोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन यहां पे इस पॉइंट पे आपका टीपी क्या है मैक्सिमम, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना है यहां पे 150। और इस पॉइंट के बाद अगर आप लेबर जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल प्रोडक्शन। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्शन यहां पे ज्यादा है, एवरेज प्रोडक्शन कम है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन कम है एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है। और थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है आपका एमपी नेगेटिव चला जा रहा है, एपी तो डिक्रीज कर रहा है, टीपी भी डिक्रीज कर रहा है थर्ड स्टेज में, और एमपी जो है नेगेटिव में चला जाता है। देखो सेवन स्टेज के बाद आपका ये भी डिक्रीज किया, ये भी डिक्रीज किया, बट ये नेगेटिव में चला गया, ये शो कर रहा है आपका ग्राफ, ठीक है। ये आपकी तीनों कर्व्स टीपी एपी एंड एमपी, इनका आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो कि जैसे एमपी बढ़ा ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, ठीक है, और ये एपी भी बढ़ रहा है। बट आई पॉइंट आपका फर्स्ट स्टेज का पॉइंट है, इस स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में क्या है आपका, देखो एपी भी कम हो रहा है एमपी भी कम हो रहा है, बट सेकंड स्टेज तक आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट जब थर्ड स्टेज में आते हो टीपी कम होना शुरू हो जाता है, एपी कम होना शुरू हो जाता है आपका, एंड एमपी आपका नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी स्टडी कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, नंबर ऑफ लेबर्स लिए, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लिया, टीपी एपी एमपी लिया। अब टू पॉइंट ई टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब ई से क्या है आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्शन। अब बिटवीन ई एंड जी टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, हाँ यहां से यहां तक जब आप आ रहे हो तो आपका क्या है इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और ई पॉइंट के बाद क्या है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है, ये ई पॉइंट से देख लो, मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आगे है आपका एट पॉइंट जी, वेयर सेवन जी पॉइंट का क्या है आपका, ये यहां पे सेवन पॉइंट यूनिट्स ऑफ लेबर लगे हुए हैं और यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आपका जीरो, कि यहां पे जीरो मीन्स कि कोई फायदा नहीं है, अगर आप और एक लेबर लगाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप नेगेटिव में जा रहे हो क्योंकि जीरो पे टोटल जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। देयरफॉर इट बिगिंस टू डिमिनिशिंग कॉरेस्पॉन्ड टू नेगेटिव एमपी, ठीक है, यहां पे आपकी नेगेटिव एमपी आ रही है। अब थ्री स्टेजेस है इसकी, फर्स्ट स्टेज ओ टू एफ, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट स्टेज है, क्यों, क्योंकि एपी और एमपी यहां दोनों मीट कर रहे हैं। यहां पे क्या है, इस स्टेज पे एपी मैक्सिमम है, ठीक है, एपी हमारा मैक्सिमम है। देखो टीपी तो और बढ़ रहा है इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। एमपी है, एमपी यहां तक पहुंचने के बाद कम कर गया, तो इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज में एपी ही बढ़ रहा है आपका, ठीक है, एपी ही क्या है मैक्सिमम है। बट एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ये मैंने पहले बता दिया कि इस स्टेज में एमपी ग्रेटर है। सेकेंड स्टेज में क्या है, जो एफ से स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है, ये वाली स्टेज, ये जो दोनों लाइनों के बीच की जो स्टेज है आई से आगे वाली, ठीक है, आई से इस जीरो पॉइंट तक, ठीक है, ये स्टेज आपकी सेकंड स्टेज है। यहां पे क्या है आपका,
एमपी इज लेस देन एपी, एमपी इज लेस देन एपी मतलब इन दोनों का ऑपोजिट है, ठीक है। थर्ड स्टेज आपका जी पॉइंट है, जी पॉइंट यहां पे क्या होता है कि टीपी स्टार्ट करना डिक्लाइन कर देता है, एपी डिक्लाइन करता है एंड एमपी नेगेटिव में चला जाता है।